ये खाली एक बात नहीं है, किस प्रकार इनकी सरकार ने सबसे अधिक राजस्व देने वाले एक और विभाग आबकारी विभाग में, जो एक गठजोड़ बनाकर रखा हुआ था, जो कुख्यात मेरठ स्पेशल जोन के नाम से मशहूर था, एक माफिया को सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की छूट मिली हुई थी कि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में उसका एकाधिकार चलता था, उसकी मनमानी चलती थी, और उसका परिणाम जो था वो परिणाम ये था कि ये आबकारी विभाग में पिछली सरकार में इनका मार्च तक का जो राजस्व था वो 14,273 करोड़ था, और अभी हम लोगों की नई आबकारी नीति आई है इस नए वर्ष के लिए, लेकिन उसके बावजूद योगी जी की सरकार की यह हनक थी, हमारे सरकार का यह इरादा था कि जो इनका 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, हमने इस साल में 16,000 करोड़ की धनराशि इकट्ठी करके दिखाई। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन में खुलेआम समाजवादी पार्टी और उसके गुर्गे दो नंबर के वाहन, डग्गे मार के वाहन संचालित किया करते, कोई पूछने वाला नहीं था। सत्ता के संरक्षण में अवैध बसों का संचालन होता था। हमारी सरकार ने परिवहन विभाग में वह सब खराब स्थितियों को दूर किया, 7200 नए गांवों को बस की सेवा दी। हमारे पास इसका भी परिणाम है कि यहां पिछले साल 4,050 करोड़ का राजस्व परिवहन विभाग से पिछली सरकार में संकलित हुआ था, वहीं हमारी सरकार में यह 5200 करोड़ है, 1200 करोड़ रुपए अधिक। वाणिज्य कर में हम लोगों ने 6,000 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूला है। अगर देखा जाए तो इसी एक साल के अंदर अंदर इन 3-4 मदों में ही हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ की धनराशि अधिक वसूली। माननीय अध्यक्ष जी, और यह कोई धनराशि ऐसी नहीं है कि जो प्रदेश की जनता के ऊपर अतिरिक्त करों का बोझ दिया, कोई अतिरिक्त बोझ डाला, यह सब वह धनराशि है जो पिछले सत्ता तंत्र में गठजोड़ के माध्यम से निजी जेबों में जा रही है। ये जनता का पैसा जनता के काम में आने की जगह उस समय की सरकार के गठजोड़ में उनकी जेबों में जाने का काम कर। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन लोगों ने इस बार नया कौतुक किया, पिछली बार चीटियां बजाई थी, इस बार गुब्बारे उड़ाए, आलू की माला भी गले में डालकर आए, किसानों के लिए भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया, अखबारों में, टीवी पर इन्होंने इंटरव्यू में खूब बोला। बहुत बेहतर होता अगर ये सब लोग यहां होते तो पता लगता कि किसानों के लिए ये सब घड़ियाली आंसू बहाने वाले इन लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या किसानों को दिया, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 महीने में किसानों को क्या दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के इतिहास के बाद शायद इतना बड़ा सीधा सीधा किसानों को सीधे खातों पर लाभ आज तक किसी सरकार ने पहुंचाने का काम नहीं किया। पिछले 10 महीनों में माननीय योगी जी की सरकार ने 75,000 करोड़ की धनराशि किसान भाइयों के खातों में सीधे सीधे हस्तांतरित किया, चाहे इसमें गन्ने के किसानों का भुगतान हो। मैं अपने गन्ना मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि पिछले सारे बकाया उन्होंने चुकाए, चाहे वो गेहूं की खरीद हो उसमें 6,000 करोड़ से ऊपर का भुगतान किया गया, धान की खरीद हो 50 लाख टन के सापेक्ष हम लोग 40 लाख टन की खरीद कर चुके हैं, गेहूं की खरीद हम लोगों ने पिछले सरकार के पिछले वर्ष से 4.5 गुना अधिक करी, आलू की माला पहनकर आने वाले इन लोगों से अगर ये होते तो मैं पूछता कि आपने आलू विकास की नीति 2014 में लागू करी थी, आपने उस पर क्या काम किया। और अभी भी मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह प्रश्न उनके लिए खुला छोड़ता हूं कि आपके द्वारा 2014 में जो आलू की नीति लाई गई थी उस पर आपने क्या किया। इससे ज्यादा
खेत की बात कोई नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष जी के ऐसे ऐसे हाथों में हमारा प्रदेश पिछले अनेक सालों से रहा कि जिसको चलाने वाले जिस सरकार को चलाने वालों ने असंवेदनशीलता की प्रकाश का पात्र